हेलो दोस्तों, टुडे स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक पर बात करने वाले हैं जिसका प्राइस की बात करें तो हमें ओनली 86 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। दोस्तों जब स्टॉक की प्राइस हमें 60 रुपए के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, उस समय से लगातार वीडियो बनाकर आप लोगों को बोला था कि इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहिए, इसमें हमें जबरदस्त तरीके से मुनाफा हमें मिल सकता है। और 60 रुपया से इस स्टॉक का प्राइस हमें रफली 113 रुपए के आसपास में जाते हुए देखने को मिला था, और वहां से जबरदस्त तरीके से हमें करेक्शन देखने को मिला और फिलहाल हमें लगभग 86 रुपए के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि 60 रुपए के स्टॉक हमें 113 रुपए के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, उस समय लगभग हमें 100% के आसपास का हमें इसमें मुनाफा मिलते हुए देखने को मिला। लेकिन जब भी मैंने इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया हूँ, यही बोला हूँ कि स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी शानदार है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक हमें काफ़ी बेकार लगता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जितना शानदार तरीके से मुनाफा मिलता है उतना हमें शायद ही फ्यूचर में हमें यानी कि मुनाफा मिलेगा अगले 2 से 3 सालों में। हमेशा इस स्टॉक में एक अच्छा रैली होता है, उसके बाद फिर से हमें इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिलता है। तो दोस्तों चलिए वीडियोस करते हैं, देखते हैं कि वो स्टॉक है कौन सा। दोस्तों वीडियोस को पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। दोस्तों मैं हमेशा कुछ ऐसे शेयर लेके आता हूँ जो कि आप लोग को शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों में अच्छा खासा मुनाफा मिल सके। तो दोस्तों हम आप लोग से बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड की रिगार्डिंग। दोस्तों हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में रफली यहाँ पर थोड़ा सा प्लस पॉइंट ही देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करें पिछले 6 मंथ में, तो पिछले 6 मंथ में अभी भी हमें इस स्टॉक में 6% का हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करें पिछले 1 साल में, तो पिछले 1 साल में हमें इस स्टॉक में लगभग 55% का हमें यहाँ पर रैली देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी शानदार है। और दोस्तों बात करें पिछले 5 ईयर की, तो पिछले 5 ईयर में इस स्टॉक में ओनली हमें 7% का हमें यहाँ पर रैली देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बेकार है। दोस्तों वहीं बात करें सबसे अधिक दिनों की चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 85% का ओनली हमें यहाँ पे मुनाफा देखने को मिला है सबसे अधिक दिनों के चार्ट पैटर्न में। दोस्तों और यहाँ पे देख सकते हो कि कितना रफ इसका हमें देखने को मिला है दोस्तों चार्ट पैटर्न। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी शानदार है, और अभी इसका प्राइस हमें काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। यहाँ से सीधे इसका प्राइस हमें सीधे 100+ में जाते हुए देखने को मिलेगा, और हमें शॉर्ट टर्म में लगभग 20 से 30% के हमें आसपास में हमें मुनाफा मिल सकता है। तो आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। तो दोस्तों चलिए इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं, देन इसका एक इंपोर्टेंट सपोर्टेबल की हम और देखेंगे। दोस्तों बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो इस स्टॉक में हमें यहाँ पे रफली 28% का हमें यहाँ पर डिलीवरी देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी शानदार है। दोस्तों वहीं बात करें इसका 52 वीक लो एंड हाई का, तो यहाँ पर हमें ओनली 51 रुपये के आसपास का हमें इसका 52 वीक लो देखने को मिल रहा है, जो कि हाई इसका 113 रुपया का है। दोस्तों जब स्टॉक की प्राइस 60 रुपये था तब भी मैंने बोला था, और आप लोग देख सकते हो कि 113 रुपया हमें स्टॉक का हाई देखने को मिल रहा है, और वहां से हमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, और फिर से इसका प्राइस हमें 80 रुपये के अराउंड में हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन डेफिनेटली फ्यूचर में भी इसका प्राइस हमें डेफिनेटली 110 की तरफ हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है, और शॉर्ट टर्म में जबरदस्त तरीके से मुनाफा मिलेगा। तो आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। दोस्तों बात करेंगे इसका फेस वैल्यू का, तो यहाँ पे हमें 10 रुपये देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे इसका क्वार्टर रिजल्ट का, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जून क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पे लॉस दिखाया है। जो कि बात करें इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग क्या था, यहाँ पे हमें 64% का हमें यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे कि इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग क्या प्लेस भी है, तो यहाँ पे कोई प्रमोटर का शेयर में प्लेस नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे इस साल कंपनी ने राइट इशू शेयर किया था, जो कि यहाँ पे लगभग 17 पॉइंट यहाँ पे 74 देखने को मिल रहा है, जो कि प्रीमियम पे यहाँ पे 55 हमें देखने को मिला है, जो कि काफ़ी शानदार तरीके से हुआ था। दोस्तों तो चलिए इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अगर यहाँ पे बात करेंगे रिजर्वेशन सरप्लस का, तो यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्वेशन सरप्लस भी काफ़ी शानदार तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जबरदस्त इंप्रूवमेंट के साथ में हमें इस साल का डेटा देखने को मिल रहा है। दोस्तों वहीं बात करेंगे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग का, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे लगभग 1773 करोड़ का हमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें यहाँ पे शॉर्ट टर्म ब्रोइंग, तो बिल्कुल यहाँ पे 0 फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले साल 280 करोड़ का डेप था शॉर्ट टर्म, जो कि इस साल बिल्कुल यहाँ पे खत्म होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ काफ़ी शानदार लगा। हालांकि बात करें लॉन्ग टर्म डेप, तो लॉन्ग टर्म डेप है कंपनी के ऊपर, लेकिन वो भी हमें धीरे धीरे रिड्यूस होते हुए देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात करें फिक्स एसेट का, तो यहाँ पे एक मिनट दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फिक्स एसेट का फिगर भी हमें कोई खास नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करें यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का,
तो यहाँ पे कंपनी के पास जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे 1430 के अप्रोक्सीमेट फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि ये चीज़ बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। तो इसका प्राइस हमें डेफिनेटली 100+ में जाते हुए देखने को मिलेगा। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक काफ़ी शानदार हमें लग रहा है फिलहाल, जो हमें प्राइस देखने को मिल रहा है दोस्तों। बात करेंगे कि इस स्टॉक का यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, तो यहाँ पे ओबी डेटा के बाद देखेंगे, थोड़ा सा नेट का इशू है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमें लगभग 21,329 करोड़ का फिगर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहीं बात करें सेक्टर के पीरेशियो का, तो हमें 50 के अप्रोक्स में देखने को मिल रहा है, जो कि सेक्टर के पीरेशियो से इस स्टॉक का पीरेशियो काफ़ी निचले स्तर पे है। और इसका प्राइस इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, और यहाँ से इसका प्राइस हमें 100+ में जाते हुए देखने को मिलेगा, और शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक काफ़ी शानदार भी है। तो इसमें हमें 20 से 30% का हमें मुनाफा मिल सकता है। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो दोस्तों। हम बात करेंगे इसका रेवेन्यू एंड सेल्स का, तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का जो हमें रेवेन्यू का डेटा देखने को मिल रहा है वो काफ़ी शानदार है, और यहाँ पे एवरी ईयर का जो हमें यहाँ पे ग्राफ देखने को मिल रहा है ये हमें सबसे ज़बरदस्त लगा दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। वहीं बात करेंगे नेट प्रॉफिट का ग्राफ का, तो यहाँ पे जो हमें इस साल हमें देखने को मिल रहा है ओनली 1,000 करोड़ के आसपास का हमें फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी शानदार है दोस्तों। बात करें वहीं सेल्स का, तो सेल्स का फिगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सेल्स का फिगर भी हमें ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिला है जून क्वार्टर में, लेकिन यहाँ पर जून क्वार्टर में सेल्स में थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, हालांकि ये भी सेल्स काफ़ी शानदार है दोस्तों। बात करेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट का, तो 177 करोड़ का यहाँ पे हमें फिगर देखने को मिल रहा है दोस्तों। वहीं बात करेंगे इस स्टॉक में FII की होल्डिंग कितने हैं, डेक होल्डिंग कितने हैं, तो आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे प्रमोटर का, तो यहाँ पे 64% का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें FII की होल्डिंग की, तो यहाँ पे लगभग 8.5% से एफआई का होल्डिंग है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहीं बात करेंगे DII की होल्डिंग की, तो 6.5% से एफआई का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डर पैटर्न काफ़ी शानदार है दोस्तों। बात करें यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग की, तो 21% से एफआई का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डर पैटर्न भी काफ़ी ज़बरदस्त है, और स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए उतना अच्छा है नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप लोग को शानदार तरीके से मुनाफा मिल सकता है इस स्टॉक में। तो आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो दोस्तों। बात करेंगे कि अगर इस स्टॉक में थोड़ा सा और में करेक्शन देखने को मिलता है, तो इसका प्राइस सीधे हमें 81 के अप्रोक्स में आते हुए देखने को मिल सकता है, अदरवाइज इसका प्राइस सीधे हमें 110 की तरफ फिर से हमें जाते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। स्टॉक में डेफिनेटली हमें 20 से 30% का हमें यहाँ पे मुनाफा मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, तो आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। स्टॉक की प्राइस डेफिनेटली हमें 100+ में जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।